हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम अपने डीएससीपी स्कोप में आईपी एड्रेस रेंजेस को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे स्टार्ट पे क्लिक करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे जाना है और यहाँ से मैं डीएससीपी सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो आपके सामने डीएससीपी स्नैपिन आ गया है। यहाँ पे आप अपने सर्वर को एक्सपेंड कीजिए, इसमें से IPv4 को एक्सपेंड कीजिए। IPv4 एक्सपेंड करने के बाद आपको अपना स्कोप दिखेगा, जो भी उसका नाम होगा स्कोप का, उसको राइट क्लिक कीजिए और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज में जाइए। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको स्कोप का नाम और स्टार्ट आईपी एड्रेस और एंड आईपी एड्रेस दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये एंड आईपी एड्रेस मैं बढ़ा दूं, तो मैं इसको 192.168.1.1 से 192.168.1.254 कर सकता हूँ, या जो भी रेंज आप रखना चाहते हैं। इसके बाद मैं इसको अप्लाई करूँगा, ओके करूँगा और चेक करूँगा इसको एड्रेस पूल में से, तो आपको दिखेगा कि इसकी जो रेंज है 192.168.1.1 से स्टार्ट होके 192.168.1.254 पे एंड होती है और ये एड्रेस रेंज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से हम डीएससीपी स्कोप में आईपी एड्रेस रेंजेस को चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।